कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहेगा। आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से सियासत काफी तेज हो चुकी है। इस गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के बीच नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। चलिए आपको दोनों पक्षों के बयान सुना देते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिर ये मामला है क्या। साथ ही संजय सिंह के उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसे आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जारी किया है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे सातों जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे, और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। चलिए अब मोटे तौर पर मामले को समझ लेते हैं। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। हालांकि पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में ईडी की ओर से दायर अभियोजन शिकायत में संजय सिंह का नाम एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के एक बयान में सामने आया था। दावा किया गया कि अरोड़ा ने एजेंसी को बताया था कि सबसे पहले उसकी मुलाकात संजय सिंह से हुई, जिनके जरिए वो मनीष सिसोदिया से मिला। शायद आपको याद होगा कि इस साल फरवरी में सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब फिर से संजय सिंह की बात कर लेते हैं। तो अरोड़ा के हवाले से दावा किया गया है कि उसने संजय सिंह के अनुरोध पर कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और पार्टी के फंड कलेक्शन के लिए भारी रकम का इंतजाम किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में संजय सिंह के एक लीगल नोटिस पर ईडी ने यह भी कहा था कि एक जगह सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत में 4 संदर्भों में से एक जगह उनका नाम टाइपोग्राफिकल या क्लेरिकल एरर की वजह से आ गया था। चलिए अब आखिर में आपको संजय सिंह का वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसे आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जारी किया है। जय हिंद साथियों।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महागोतावे के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूँ, अपनी आवाज उठाता हूँ। ईडी में कई शिकायतें जो अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई हो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डालते चुनाव जीतना चाहता। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहे बार। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूक डाला, कुछ हो नहीं, बावजूद इसके गिरफ्तार हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे,